अरविंदो कॉलेज की प्रबंध समिति के चेयरमैन श्री देवेंद्र तोमर को शिक्षकों ने विदाई दी। श्री देवेंद्र तोमर जैसा चेयरमैन हर कॉलेज को मिले। दिल्ली सरकार के कॉलेजों की प्रबंध समिति का कार्यकाल 16 दिसंबर को समाप्त हो रहा है। दिल्ली सरकार से संबद्ध श्री अरविंदो कॉलेज के शिक्षकों ने बृहस्पतिवार को कॉलेज की प्रबंध समिति के शिक्षक युवा चेयरमैन श्री देवेंद्र तोमर के एक वर्ष का सफल कार्यकाल 16 दिसंबर को पूरा हो रहा है। कार्यकाल समाप्ति पर शिक्षकों व कर्मचारियों ने उनका अभिनंदन कर विदाई दी। विदाई देने वालों में डॉक्टर हंसराज सुमन, डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह, स्टाफ एसोसिएशन के सचिव डॉक्टर विनय भरद्वाज, अध्यक्ष प्रोफेसर विनय कुमार सिंह व प्रोफेसर विवेक कुमार धनकर, डॉक्टर बत्तीलाल बैरवा आदि थे। बता दें कि दिल्ली सरकार के वित्त पोषित 28 कॉलेजों की प्रबंध समिति का कार्यकाल 16 दिसंबर 2022 को समाप्त हो रहा है। कॉलेजों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिए जाने पर शिक्षकों, कर्मचारियों व छात्रों ने देवेंद्र तोमर को विदाई देते हुए दिल्ली सरकार के उप मुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया से मांग की है कि श्री तोमर को अरविंदो कॉलेज में कार्य करने के लिए एक मौका दें और ताकि उनके कार्यकाल में शिक्षकों व कर्मचारियों की नियुक्तियाँ हो सके। उन्होंने बड़ी मेहनत से शैक्षिक व गैर शैक्षिक पदों का रोस्टर रजिस्टर तैयार कराना, कॉलेजों की नई बिल्डिंग की चार दीवारी कराना, एक दशक से रुकी हुई शिक्षकों व कर्मचारियों की पदोन्नति कराना आदि कार्य को कराया है। उनमें प्रशासनिक कार्य करने की क्षमता है। कॉलेज के मीडिया संयोजक डॉक्टर हंसराज सुमन ने बताया कि हमारा ये कॉलेज विख्यात दार्शनिक, स्वतंत्रता सेनानी एवं शिक्षाविद महर्षि श्री अरविंद की जन्मशती वर्ष 1972 के दिन स्थापित हुआ, जो कि दिल्ली सरकार से संबद्ध महाविद्यालय ने शिक्षा के क्षेत्र में एकेडमिक जगत से लेकर कॉर्पोरेट जगत तक में अनेक प्रतिभाएं उत्पन्न करने एवं महर्षि श्री अरविंद के विचारों को आत्मसात कर उसे प्रसारित करने तथा अपने कुशल संकाय के रूप में नेतृत्व प्रदानकर्ता के रूप में हमेशा से जाना जाता रहा है। इन सभी उपलब्धियों के बावजूद अरविंद महाविद्यालय की एक विडंबना ये रही कि अपनी स्थापना के समय से ही महाविद्यालय एक स्कूल इमारत से आरंभ होकर वो स्कूल इमारत में ही रह गया। उसे महाविद्यालय के रूप में आवश्यक सुविधाएं नहीं प्राप्त हो सकी। डॉक्टर सुमन ने बताया कि समय समय पर आए प्रशासकों, प्रबंध समिति के अध्यक्षों ने इन पर खास तवज्जो नहीं दी। अपनी आधारभूत संरचनागत कमी के बावजूद प्रतिभा विकास में महाविद्यालय ने कोई कमी नहीं छोड़ी, पर इन कार्यों में योगदान हेतु उसका जो देय है उसे प्राप्त करना उनका अधिकार है। ऐसे में महाविद्यालय की प्रबंध समिति के वर्तमान चेयरमैन श्री देवेंद्र तोमर एक मिसाल बनकर आए। श्री तोमर जैसा चेयरमैन हर कॉलेज को मिले। उन्होंने अपने संक्षिप्त कार्यकाल के दौरान अनेक ऐसे कार्य किए जिसमें महाविद्यालय के विकास को एक नया आधार मिला। डॉक्टर सुमन ने आगे बताया कि एक वर्ष पूर्व कॉलेज प्रबंध समिति में चेयरमैन पद का कार्यभार ग्रहण करते ही श्री देवेंद्र तोमर ने महाविद्यालय की प्रशासनिक गतिविधियों पर ध्यान देते हुए उसे सुचारू रूप से चलाते हुए एक नई शिक्षा प्रदान की। उन्होंने महाविद्यालय को क्षमता प्रदान करने वाली विभिन्न समितियों के संचालन में सहयोग प्रदान करके उसे गति प्रदान की। समय समय पर शिक्षकों और कर्मचारियों के बीच आकर उनकी समस्याओं को सुना और उनकी रुकी हुई पदोन्नतियों का मार्ग आसान बनाने में मदद की। इनके कार्यकाल में ही 5 दशक से अधिक पुरानी और जर्जर होती जा रही इमारत के नवीनीकरण में आवश्यक संभव निर्माण कार्य को प्रारंभ कर उसे एक व्यवस्थित स्वरूप प्रदान किया। डॉक्टर देवेंद्र तोमर ने अपनी विदाई पर शिक्षकों को संबोधित करते हुए कहा कि उन्होंने कॉलेजों को एक परिवार की भांति मानकर उनके विकास कार्यों पर बल दिया। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि हम संस्थान कॉलेज में सेवा भावना से आए हैं, उसका विकास करना, उसे उन्नति पर ले जाना हमारा कर्तव्य है। जब कॉलेज का नाम शिक्षा, खेल, सांस्कृतिक कार्यक्रमों व अन्य प्रतियोगिताओं में होता है तो हमारा मन और अधिक कार्य करना चाहता है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार उन्हें एक मौका और दे तो कॉलेज की गोल्डन जुबली पर तमाम रुके हुए कार्यों को पूरा कराएंगी और विश्वविद्यालय में अरविंदो कॉलेज को उच्च स्तर पर पहुंचाना ही मेरा लक्ष्य है। आप लोगों ने एक साल में जो मान सम्मान दिया है उसकी स्मृति सदैव मेरे हृदय में रहेगी। खबर सबकी, सीधे आप तक।